नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता। आप देख रहे हैं आधा साहित्य आधा मीडिया। आज की एक बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। बक्सवाहा में हीरा खनन परियोजना से जंगल को बचाने के लिए शुरू हुई मुहिम सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट अब मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में पहुंच चुकी है। जंगल को बचाने की इस मुहिम में देश के 1.12 लाख से अधिक लोग एवं पर्यावरण प्रेमी साथ आ गए हैं। बक्सवाहा का जंगल बचाने के लिए युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान को तेज कर दिया है। इधर बड़ा मलहरा विधायक ने इस परियोजना का समर्थन करते हुए कहा कि इसका विरोध करने वाले कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। बक्सवाहा में हीरा उत्खनन के लिए 2.15 पेड़ों की बलि दी जानी है। महज हीरों के बदले जीवनदायी ऑक्सीजन देने वाले लाखों पेड़ों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश समेत देश भर के 1,12,000 लोग समर्थन के लिए आगे आए हैं। कोरोना को देखते हुए इन सभी ने फिलहाल सोशल मीडिया पर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट कैंपेन चलाया है, लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण थमेगा, स्थिति सामान्य होगी, मुहिम में शामिल सभी पर्यावरण प्रेमी बक्सवाहा पहुंचेंगे। जरूरत पड़ने पर पर्यावरण प्रेमी चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से चिपक कर इन्हें काटे जाने का विरोध करेंगे। देश की करीब 50 संस्थाओं ने जंगल बचाने के लिए वेबिनार किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई याचिका। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली की समाज सेविका नेहा सिंह ने 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसे सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। याचिका में नेहा सिंह ने कहा कि हीरों के बदले लाखों हरे पेड़ों को काटा जाना स्वीकार नहीं है, यह अनुबंध निरस्त किया जाए। आप भी इस मुहिम से जुड़िए। धन्यवाद।